हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं एग्जाम एम्पायर एमआरते त्रिवाल पढ़ाता नहीं सीधा याद करवाता हूं। और वो भर्ती वो आ गई है जिसका पिछले 2 साल से इंतजार हो रहा था। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर स्कूल व्याख्याता, वो मोहर वाली नौकरी, वो गजेटेड ऑफिसर वाली नौकरी दोस्तों 2000+ पदों पर। हालांकि ये पद जो है ये डिसअपॉइंट करने वाले हैं, लेकिन ठीक है, भर्ती तो आई तो उसी पर बात करने वाले हैं दोस्तों। बड़ी भर्ती जिसका इंतजार था, है ना। अब एक मोटिवेशन बच्चों को मिलेगा और इससे ये भी तय हो गया है कि पहले फर्स्ट ग्रेड होगी, फिर सेकंड ग्रेड, फिर रिट, तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा बच्चों के दिमाग में कि किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है, किस भर्ती पर कौन से पद, किस सब्जेक्ट में कितने पद निकले हैं, उस सभी पर बात करने वाले हैं। कब फॉर्म भरे जा रहे हैं और कब एग्जाम हो सकता है उस पर भी बात करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, देखिएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग दोस्तों 25 का अभी का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के अनुसार स्कूल व्याख्याता पदों पर भर्ती, लगभग कितने पद, 2202 पदों पर। ये ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन कोई ना, देखते हैं, इसके लिए हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे। हिंदी के लिए 350 पदों पर, इंग्लिश के लिए 325 पदों पर, और अब जीके आद गारंटी बेच का महत्व बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि पद कम है, लाखों बच्चे रेस में है। अब सिलेक्शन तभी होगा जब आपको कतरा कतरा याद रहेगा और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा याद करवा रहा हूं। संस्कृत 64 पद, थोड़ा डिसअपॉइंट करने वाला है, लेकिन लगे रहना है, 64 है। राजस्थानी 7 पद, पंजाबी 11 पद, उर्दू 26, हिस्ट्री 90 पद। हिस्ट्री में भी कम पद आए हैं, हिंदी इंग्लिश वालों के बल्ले बल्ले है कंपेरेटिवली देखे तो। पॉलिटिकल साइंस अच्छी वैकेंसी फिर से 225, ज्योग्राफी 210। तो पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश इनके ठीक ठाक पद हैं। इकोनॉमिक्स 35, सोशियोलॉजी 16, होम साइंस 16, केमिस्ट्री 36, अच्छे पद हैं। फिजिक्स 147, बढ़िया है अगर कंपेरेटिवली देखे तो। मैथ्स 153, बायोलॉजी 67, कॉमर्स 340, हाईएस्ट। कॉमर्स वालों बल्ले बल्ले है तुम्हारी तो, जीके याद गारंटी बेचे पहुंच जाना। फिर कह रहा हूं मैं पढ़ाता नहीं याद ही करवाता हूं, और अब हमारा टारगेट यही भर्ती रहने वाली है, यही भर्ती रहने वाली अपना टारगेट, ठीक है। एक एक कतरा कतरा फूतरा फूतरा याद कराऊंगा भाई, टेंशन मत लेना। फिजिकल है, कोच है, कोच का है, फिर कोच का है हॉकी का, फिर कोच फुटबॉल का, जिसको कोच बनना है वो बने, हमें बनना है। हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, है ना, कॉमर्स का, फर्स्ट ग्रेड का, है ना, 4800 ग्रेड पे है। उसके बाद देखते हैं आगे, ये छूटे होती है जो भी होती है, वो सेम प्रोसेस आपको पता ही है। इसका तारीख हम ढूंढते हैं कि तारीख पे तारीख ना दे दे बस। देखते हैं परीक्षा स्थान और महा परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। यथा समय हो सकता है 2-4 दिन में इसका परीक्षा डेट आ जाएगा, हालांकि हम बात करेंगे कब हो सकता है। इसके बाद दोस्तों आवेदन 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 कब से भरे जाने हैं वो इंपॉर्टेंट है। और फिर कह रहा हूं अपने सभी डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त करवा लेना, ठीक है। 450 का वही पैटर्न रहने वाला है, वही 3 घंटे का है, 150 मार्क्स का, 2 पेपर्स, फर्स्ट पेपर से LB 150 मार्क्स एंड सेकेंड 300 मार्क्स। ये 150 मार्क्स एग्जाम एम्पायर पर छोड़ देना, निश्चिंत हो जाना, और ये 150 में से कटने नहीं दूंगा। ऐसा याद कराऊंगा कि 10-5 नंबर कट जाए, इसे ज्यादा नहीं कटने दूंगा, अगर सारी क्लास तुम ले लोगे तो, है ना। इसके बाद वही 40% वाला मिनिमम क्राइटेरिया पासिंग मार्क्स इन्होंने रखा है, ठीक है। किसी को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो, कुछ पूछना हो तो मैसेज डाल देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये दोस्तों ये सारे ही सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी और राजस्थान, कतरा कतरा याद करवा रहा हूं। एजुकेशनल साइकोलॉजी एग्जाम एम्पायर याद ही करवाएगा, एजुकेशनल मैनेजमेंट मैं ही करवाऊंगा, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान मैं ही करवाऊंगा, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट RTA 2009, कुतरा कतरा पूतरा पूतरा याद कराऊंगा। सिर्फ इसमें जो मैं नहीं कराऊंगा वो है मेंटल एबिलिटी बस, और स्टेटिक्स जो सेकेंडरी लेवल के मैथमेटिक्स, ये 4-5 क्वेश्चन का मैं याद नहीं करूंगा, बाकी पूरा का पूरा मैं याद करवाने जा रहा हूं, ठीक है। पेपर सेकंड आपको अच्छा कर लेना है आपका, जो भी रेस्पेक्टिवली है, ठीक है। पेपर फर्स्ट जनरल स्टडीज का ये रहने वाला है 1.5 घंटे का, ठीक है, और पेपर सेकंड ये है ही, है ना, ये सबका दे रखा होगा अलग अलग, ठीक है।
इसका जो डेट है वो शायद 4 तारीख से फॉर्म भरना शुरू होंगे, 4 नवंबर से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 4 नवंबर से फॉर्म भरना शुरू होगा और 1 महीने तक भरेगा। मैं टेलीग्राम पे भी आपको बता दूंगा इसका तारीख, वो कतई नहीं भूलना है आपको, ठीक है। और अब लग जाना है, अब होली दिवाली सब उनके लिए है जो ऑलरेडी नौकरी लग चुके हैं, तुम्हारे लिए कोई होली दिवाली नहीं है भाई, है ना, भूल जाओ इस दिवाली को। और वो दिवाली वाला ऑफर मैं कल आपको लागू कर दूंगा, ठीक है, बता दूंगा। जीके आद गारंटी बेच में पहुंच जाना, फर्स्ट पेपर जीके वाला पेपर, निश्चिंत हो जाना, क्लासेस देखना, रजाई में देखे देखे देखना है, शॉर्ट नोट्स में दे रहा हूं, किसी किताब के चक्कर में कुछ कोई फेर में नहीं पढ़ना, पूरा ऑथेंटिक डाटा डीप में मैं याद ही करवा रहा हूं, ठीक है। और अपना सब्जेक्ट अच्छा कर रहा हूं, मैं शुरू से कर रहा था कि फर्स्ट ग्रेड आएगी, कॉमन तैयारी करते चलो, जीके अच्छा कर लो, साथ में ऑप्शनल अपना अच्छा लेके चलो, यही कहता था मैं हर एक क्लास में, यही कहता था कि कॉमन पार्ट और ऑप्शनल को साथ में लेके चलो, जैसे ही भर्ती आएगी अपन गियर बदल लेंगे, संभावना सेकंड ग्रेड की पहले थी, फर्स्ट ग्रेड आ गया, यही होती है अनएक्सपेक्टेड अनप्रेडिक्टेबल लाइफ, है ना, कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही किसी दिन रिट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे ही फ्री होगा डेट भी आ जाएगा उसका, ऐसे ही सेकंड ग्रेड कभी भी टपक जाएगा उसके हाथ में, अब समझते हो। इसलिए मैं कहता था कि उस तारीख का नोटिफिकेशन आने का इंतजार मत कीजिएगा, लेकिन फिर भी अब मैं मान के चल रहा हूं नोटिफिकेशन आ गया है, तो एग्जाम में 5 से 6 महीने का, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो कतई नहीं देंगे भाई, क्योंकि अब इनका दिख रहे हो, इनका आरएस प्री है, संस्कृत डिपार्टमेंट का दिसंबर में है, आरएस प्री फरवरी में है, फिर मार्च में यूआरओ का है, उसके बाद ये कभी भी एग्जाम करवा लेंगे बोर्ड एग्जाम के बाद, इसका मतलब अप्रैल मई में ये एग्जाम पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। और मैं बोल ही रहा था कि मई का महीना उसने अधीनस्थ बोर्ड ने खाली छोड़ा था, देख रहे हो लिंक हो रही चीजें, तो हो सकता है मई में इसका एग्जाम हो जाए, और चट मंगनी पट ब्याह वाला सतुना होता है नोटिफिकेशन आने के बाद, तो भगदड़ मचेगी, है ना, चारों तरफ, लेकिन अब सिलेक्शन उसी का होगा जिसको याद रह रहा है। और मेरे साथ ही हूं, अब मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट ग्रेड की जो भी तैयारी कर रहा है उनके लिए मैं 24x7 अवेलेबल हूं, किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति हो, दिक्कत हो, मेरा सपना है कि इन 2000 में से ज्यादा बच्चे, लगभग 50% बच्चे तो इधर वाले हो, ये सपना है मेरा, है ना, तो आपके लिए अवेलेबल हो। जब भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, डिमोटिवेट हो, चीजें सुलझ नहीं रही हो, याद नहीं रह रहा हो, आप कभी भी बेझिझक मैसेज कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, ठीक है। आज से पूरी तरह समर्पित हम हो गए हैं फर्स्ट ग्रेड को, जो सबसे पहले होने जा रही है दोस्तों, ठीक है, तो मिलते हैं आज उद्योग वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, मस्त रहना, फिर मिलूंगा जल्दी ही, अब एक नई रणनीति के साथ आपसे चर्चा लगातार करता रहूंगा, है ना, अब हम तो हम तुमसे दूर नहीं है, भर्ती आ गई है, खुशी की बात है, हालांकि पद कम है तो दुखी नहीं होना है, अब वो बात भी अलग है कि हमें तो एक वैकेंसी चाहिए नहीं, ज्यादा पद होते तो ज्यादा चांसेस बनते, तो इसमें एक राहत की खबर तुम्हारे लिए तो ये है कि तुम जीके आद गारंटी बेच में हो, है ना, तो जीके वाला पेपर तुम्हारा वैसे ही अच्छा है और सब्जेक्ट का आपको कर लेना है, ठीक है, जहां से आप सब्जेक्ट भी अच्छा करके चलना, है ना, वरना मेरी मेहनत पूरी बेकार चली जाएगी, ठीक है। जीके वाला पूरा 150 में से मान के चलो 140 का मीटर मैं याद कराऊंगा और उसमें से 130 नंबर 120 नंबर दिलाने का वादा करता हूं मैं, आ जाएंगे आराम से, इस लेवल का मैं याद ही करवा रहा हूं आपको पता है। बाकी किसी को किसी प्रकार का कुछ पूछना हो, संशय हो, तो मैसेज कर सकता है, अपीयरिंग वाले फॉर्म लगा देना, जिसका अपीयरिंग चल रहा है, सेकंड ईयर चल रहा है, वो फॉर्म लगा देना, बीएड हो जाए बीएसटी से, बीएसटी से वाला तो क्या करेगा, बीएड वाला और एमए फाइनल वाला जो भी है, जैसे भी है, अपीयरिंग वाला दे सकता है, लगा देना, जब एग्जाम होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का तब देखा जाएगा, तब डिग्री मांगेंगे, ठीक है, तो लगातार बने रहना, मैं फिर से लाइव चर्चा करने आऊंगा तुमसे, ठीक है, थैंक यू।